अगली बात करते हैं, थ्री कैपिटल ऑफ एपी, एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, सॉरी आंध्र प्रदेश। एक मिनट रुकना पड़ेगा दोस्तों, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। थ्री कैपिटल्स फॉर अरुणाचल, सॉरी आंध्र प्रदेश, सॉरी थ्री कैपिटल फॉर आंध्र प्रदेश। आपको पता है थोड़े दिन पहले एक बिल आया था, और इस बिल के अंदर में जो पुरानी आंध्र प्रदेश की सरकार थी, उन्होंने कहा था कि आंध्र प्रदेश के अंदर में हम तीन कैपिटल बनाएंगे, ठीक है, अलग अलग। लेजिस्लेटिव अलग कैपिटल जहाँ विधानसभा होगी, जुडिशियरी के लिए अलग जहाँ हाईकोर्ट काम करेगा, और एग्जीक्यूटिव की अलग जहाँ पर जो मुख्यमंत्री ये सब होंगे वो अलग। तो ये प्रपोजल चल रहा था तीन कैपिटल बनाने का, इसको वापस ले लिया गया है अभी की जो सरकार है, इसने कह दिया बकवास है इसको, हम क्या करते हैं इस प्रपोजल को वापस लेते हैं। तो थ्री कैपिटल फॉर आंध्र प्रदेश जो थी, इस प्रपोजल को वापस ले लिया गया है। मैं इसको बताऊंगा, जीएस पेपर दो से संबंधित है, गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर एंड इशू अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, जीएस पेपर टू से रिलेटेड है। आंध्र प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है पास्ड अ बिल टू रिपील द कॉन्ट्रोवर्शियल एपी डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन एक्ट 2020 दैट वॉज इंटेंडेड टू एस्टैब्लिश थ्री कैपिटल ऑफ द स्टेट। मतलब इस बिल के माध्यम से, जो बिल देख रहे हो आप, आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने विवादास्पद आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास अधिनियम 2020 को निरस्त करने के लिए एक विधेयक जो है पारित किया है, जिसका उद्देश्य राज्य में तीन राजधानियां स्थापित करना है। इन्होंने एक्ट पास किया था पिछली सरकार ने 2020 के अंदर, इसका उद्देश्य था कि आंध्र प्रदेश में तीन राजधानियां होंगी। और इसका उद्देश्य क्या है, तीन राजधानियों के पीछे इन्होंने कहा था कि हम डिसेंट्रलाइज करते हैं। जैसे देखो सुनो, मान के चलो किसी राज्य की जो राजधानी होती है उसका विकास ज्यादा होता है, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, लखनऊ का विकास क्या होता है ज्यादा एज कंपेयर टू अदर रीजन। अब इन्होंने कहा कि तीन अलग अलग कैपिटल बना देंगे ना, तो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, तो विकास भी ज्यादा होगा, ठीक है, विकास भी क्या होगा ज्यादा। बहुत तगड़ी बुद्धि है, ठीक है, बहुत तगड़े आइंस्टीन बन रहे थे आइंस्टीन, लेकिन बाद में इन्होंने देखा कि तो मामला गलत हो जाएगा, इसीलिए इस प्रपोजल को क्या कर लिया दोस्तों, इस प्रपोजल को वापस ले लिया गया। तो अब ये जो है तीन बिल जो है, जो आपकी कैपिटल बनाने का जो बिल है, इसको क्या कर लिया दोस्तों, इसको वापस ले लिया गया है। थ्री कैपिटल बिल ऑन जुलाई 31 द स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइड द आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिंग डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन एक्ट 2020 एंड द आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी रिपील एक्ट, इसको पास कर दिया है। द लॉ पेव्स द वे फॉर थ्री कैपिटल्स इन द स्टेट। ये जो बिल पास हुआ था ना, ये 31 जुलाई को 2020 को, इसके अंदर में तीन कैपिटल बनाने की बात हुई थी। पहली कैपिटल की बात हुई थी अमरावती, अमरावती में क्या होगा लेजिस्लेटिव कैपिटल, अमरावती में विधायी राजधानी कहेंगे। दूसरी कैपिटल बात हुई थी विशाखापट्टनम, जिसको बोला गया कि इसको हम एग्जीक्यूटिव कैपिटल कहे जाएंगे। और इसके बाद था कुरनूल, कुरनूल को क्या गया जुडिशियल कैपिटल, कुरनूल मतलब न्यायिक राजधानी, जुडिशियल कैपिटल की बात हुई। तो ये तीन कैपिटल बनाने की बात यहाँ पे हुई, तीन राजधानियां जो है ये बनाने की यहाँ पर बात जो है हुई थी। अब बात बोले उस समय पर जब इनसे पूछा कि भैया क्या जरूरत है, बाबूराव गणपतराव आप थे, ये तीन कैपिटल क्यों बना रहे हो, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि तीन कैपिटल हम इसलिए बनाना चाहते हैं ताकि अलग अलग क्षेत्रों का विकास हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो राजधानी का क्षेत्र होता है दोस्तों, उसका विकास ज्यादा होता है, तो इन्होंने सोचा कि पूरे राज्य में तीन राजधानियां बना दो तो पूरे राज्य का विकास अच्छा हो जाएगा, ऐसा सोचा इन्होंने, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन हैज बीन द सेंट्रल थीम ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द ऑल मेजर कमेटी दैट वर सेटअप टू सजेस्ट द सुटेबल लोकेशन फॉर द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। इन्होंने बहुत सारी समितियां बनाई थी, जब ये आंध्र प्रदेश की क्या कैपिटल होगी, जब इस कैपिटल की बात हुई ना, ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानियां क्या होंगी, इनके लिए जो उपयुक्त स्थान कौन सा होना चाहिए, तो उसकी जब सुझाव के लिए इन्होंने तीन कमेटी बनाई थी। हर कमेटी ने ऐसी बात की थी कि आपको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन प्रमुख थीम था, ठीक है, उसके अंदर में यही बोला गया कि आप डिसेंट्रलाइज कीजिए, अलग अलग जगह पर स्थानीय मतलब एक से ज्यादा राजधानी बनाइए, तो ये ऐसा उस समय बोला गया था। इनमें जैसे जस्टिस एस बी श्री कृष्णन कमेटी है, और यही कमेटी किस पे बनी है, जस्टिस एस बी श्री कृष्णन कमेटी, बताइए, अरे अभी डेटा प्रोटेक्शन बिल पे कल पढ़ा था हमने। उसके अलावा के सिवा, के सिवार, सिवाराम कृष्णा,
कमेटी, उसके बाद जीएन राव कमेटी, ये सब इसी पे बनी थी। सबको यही काम था कि बताओ कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ बनाई जाए। इन सब ने कहा कि आप डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण के थीम को फॉलो करो और कैपिटल जो है मल्टीपल जगह पे बनाओ ताकि पूरे राज्य का क्या हो सके, एक संपूर्ण विकास हो सके। ये जो है उस समय पे बात बोली गई। लेकिन अभी क्या किया गया दोस्तों, ये जो तीन कैपिटल का सुझाव था इसको सरकार ने वापस ले लिया। अब सरकार कह रही है कि हम कुछ नया लेके आएंगे, ठीक है, अब नया आएगा भाई, कुछ नया आएगा, देखते हैं क्या आएगा। सो ये तीन कैपिटल थी। अब देखो कुरनूल, ठीक है, यहाँ पे कुरनूल जुडिशियल कैपिटल, मतलब हाईकोर्ट यहाँ होगा। अमरावती के अंदर में क्या है, अमरावती के अंदर में लेजिस्लेचर, मतलब विधान पालिका आपकी यहाँ पे होगी, हाईकोर्ट यहाँ होगा और जो चीफ मिनिस्टर का जो कार्यालय है, जो एग्जीक्यूटिव है, वो यहाँ बैठेंगे। अब इनके बीच में कितनी दूरी है सोच के देखो, ये नाइटमेयर हो जाएगा, लॉजिस्टिक नाइटमेयर, कितना खर्चा आएगा इसके अंदर में, ठीक है, बवाल हो जाएगा पूरा। तो वो चीज को देखते हुए अभी मना किया। डिसएडवांटेज विद थ्री कैपिटल, बताया गया कि तीन राजधानियों के साथ में नुकसान क्या होंगे। पहला, लार्ज अमाउंट ऑफ फंडिंग विल रिक्वायर टू डेवलप मल्टीपल कैपिटल। एक राजधानी को बनाने में इतना पैसा लगता है, तीन को बनाओगे तो बहुत पैसा लगेगा, ठीक है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगेगा। एग्जीक्यूटिव कैपिटल जो है विशाखापट्टनम, ये है विशाखापट्टनम हमारी, अभी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। अब इनकी दूरी जो है इससे बहुत ज्यादा है, कितनी दूरी है मैं बता देता हूं। देखो एग्जीक्यूटिव कैपिटल विशाखापट्टनम 700 किलोमीटर अवे फ्रॉम द जुडिशियल कैपिटल कुरनूल एंड 400 किलोमीटर फ्रॉम द लेजिस्लेटिव कैपिटल। मतलब क्या है दोस्तों, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ये दूरी जो है ये है 700 किलोमीटर, ठीक है, और इन दोनों की जो बीच की दूरी है कुरनूल और विशाखापट्टनम के बीच की है, और इन दोनों की जो बीच की दूरी है ये वाली, ये है 400 किलोमीटर। इन दोनों के बीच की दूरी, ये जो दूरी है, यह है 300 किलोमीटर। आप कैसे करोगे, आप लॉजिस्टिक नाइटमेयर नहीं हो जाएगा आपके लिए। तो 700 किलोमीटर फ्रॉम जुडिशियल कैपिटल कुरनूल, 400 किलोमीटर फ्रॉम लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती। द अमरावती कुरनूल डिस्टेंस जो है वो 370 किलोमीटर है। द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ ट्रैवल विल बी सिग्निफिकेंट। जो आप इनके बीच में जो ट्रैवल करोगे तो वो कॉस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक बड़ी बात है जिसको सोचा गया कि आप देखो तो दो कैपिटल के बीच की दूरी लगभग 700 किलोमीटर की आ रही है। कोऑर्डिनेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो लेजिस्लेचर की सीट के अंदर और एग्जीक्यूटिव, ये ऑलमोस्ट जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, लगभग जुड़े होते हैं। तो आप कह तो रहे हो अलग अलग कैपिटल बना दो, लेजिस्लेचर जुडिशियल चल जाएगा, जुडिशियल दूर है चल जाएगा, लेकिन एग्जीक्यूटिव और जो आपकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है आप इसको अलग अलग स्थापित करना, ये कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, ये करना बहुत मुश्किल है दोस्तों। और इसके लिए अभी सरकार के पास में कोई स्पेशल प्लान नहीं थे, ठीक है, तो इससे भी एक डर था कि यार सारा मैश क्रिएट हो जाएगा। दूसरा, जब इन्होंने तीन तीन कैपिटल बनाने की बात की ना, तो कई सारी इन्वेस्टमेंट एजेंसी थी वो भाग गई। जैसे वर्ल्ड बैंक ने अपने हाथ पीछे खींच लिया। पहले वर्ल्ड बैंक बोल रहा था कि भाई हैदराबाद जो है आपकी आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल का निर्माण होगा उसमें हम साथ देंगे, हम पैसा देंगे, फंड देंगे। बट बाद में जब इन्होंने तीन तीन का नाम किया, वर्ल्ड बैंक डर के भाग गया। जो हमारा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक था, AIIB, भाग गया, पीछे हट गए वो। अरे एक कैपिटल डेवलप ना होती है, तीन तीन डेवलप करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, इसलिए वो भाग गए, छोड़ गए। अ सिंगल लार्ज कैपिटल में अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर्स देन द थ्री स्मॉल कैपिटल्स, ठीक है। ऐसा माना गया कि अगर एक बड़ी राजधानी बनाते हो तो उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सकती है, इन्वेस्टर आ सकते हैं एज कम्पेयर टू स्मॉल। तीन छोटी छोटी बनाओगे तो इतने लोग नहीं आएंगे, मे बी बड़ी कैपिटल आप करोगे तो उसके अंदर में ज़्यादा इन्वेस्टर आपको मिल सकते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आंध्र प्रदेश के अंदर में 2020 में एक बिल पास हुआ था जिसमें तीन कैपिटल की बात हुई थी, विशाखापट्टनम, एग्जीक्यूटिव कैपिटल, ठीक है, उसके बाद अगर बात करें अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल और कुरनूल जुडिशियल कैपिटल, ये बात हुई। बट अभी की सरकार ने इसको खारिज कर दिया। सरकार का मानना है कि दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो अभी इसको क्या कर दिया, मना कर दिया गया। क्यों, क्या सोच के तीन कैपिटल की बात हुई थी दोस्तों? डिसेंट्रलाइजेशन को सोच के। बहुत सारी कमेटी बनी थी जिन्होंने कहा था डिसेंट्रलाइज करोगे तो ज़्यादा एरिया का विकास होगा, पूरे स्टेट का विकास होगा। लेकिन उसके नुकसान क्या है दोस्तों? दूरी बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी ट्रांसपोर्टेशन की, तीन कैपिटल को बनाने में खर्चा अलग अलग आएगा, इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉपर उसके लिए नहीं मिलेगी और बहुत सारा जो है कोऑर्डिनेशन के अंदर में इशू आएगा, ठीक है, ये मुद्दा है आपका। तो ये हमने देख लिया दोस्तों, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, इसके अलावा क्या और भी कोई राज्य हैं जिनके पास में एक, मतलब जिन्होंने 10-10 राजधानियां ऐसे बना रखी है, ठीक है, ऐसे कोई और भी राज्य? हाँ है, महाराष्ट्र जो है उसकी दो कैपिटल है, मुंबई और नागपुर, ठीक है, विच होल्ड्स द, नागपुर जो होता है इट होल्ड्स द विंटर सेशन ऑफ द स्टेट असेंबली, ठीक है,
उसके अलावा हिमाचल प्रदेश की भी दो कैपिटल शिमला और धर्मशाला, विंटर धर्मशाला होती है। द फॉर्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैड श्रीनगर एंड जम्मू एज अ कैपिटल, पुराना जो था, ठीक है, तो ऐसा था। तो ये स्टेट्स हैं जिनकी अलग अलग मल्टीपल कैपिटल्स हैं। प्रीलिम्स स्पेसिफिक पे आते हैं सर, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होती है, पीआईएल क्या होती है, साथ ही साथ में कौन कौन से राज्य हैं भारत के जिनके पास मल्टीपल कैपिटल है, कौन कौन से देश हैं जिनके पास मल्टीपल कैपिटल है। आंध्र प्रदेश का ये जो प्रपोज कैपिटल थी ये कौन कौन सी थी, तीन जो आंध्र प्रदेश ने कैपिटल की बात की, कौन कौन सी की बात की, एंड वेरियस रिट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के तहत में जो अलग अलग रिट्स लेख दिए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं। लेख, अरे क्यो वेरेंटो, प्रोहिबिशन, सर्चुररी, हैबियस कॉर्पस, उनकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स का हो गया। अब सीधा मेंस के सवाल पे आते हैं इसके ऊपर, इसमें मैंने कोई जो है क्वेश्चन नहीं डाला। मेंस क्या है दोस्तों, विल डेजिग्नेटिंग थ्री कैपिटल फॉर स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश प्रमोट डिस्ट्रीब्यूटेड डेवलपमेंट। भाई आपने तीन कैपिटल क्यों बनाने की बात कर रहे हो, आप इसलिए कह रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि इससे देश का, उस राज्य का विकास ज्यादा होगा। तो क्या आपको सही में लगता है ऐसा होगा? एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग मल्टीपल स्टेट कैपिटल। आपको इसी के आधार पर अलग अलग राज्यों की, एक राज्य की अलग अलग कैपिटल का जो ये कॉन्सेप्ट है इसको क्या करना है दोस्तों, आपको एनालाइज करना है। और इसके ऊपर में हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके ऊपर में भी हम डेफिनेटली विल डू द आंसर राइटिंग सेशन, हम आंसर राइटिंग करेंगे इसके ऊपर में। और ये कब करेंगे, कहाँ करेंगे, वो हम टेलीग्राम पे आपको बताएंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जो है मेरा वो फॉलो कर लो, देखो कमेंट बॉक्स के अंदर में आपको बताया जा रहा है, स्नेहप्रीत आपको बता रही है, सुमित राठी यूपीएससी इसके नाम से चैनल है मेरा, जाके आप क्या कर लो, फॉलो कर लो उसको, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। एक बार सारे बच्चे यार जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, सारे के सारे वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करो यार जल्दी से, नाराज हो क्या। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये जीएस का प्लस कोर्स है, तो यहाँ पर आप प्लस और आइकॉनिक दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहाँ पे ले सकते हो दोस्तों, प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहाँ दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है, इसको यूज़ करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।